Sir, in Jharkhand, one issue has arisen. One second, please listen to him. These are उसमें जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम दिया और सपोर्टर्स की लिस्ट दी और नियरली 43 का सिग्नेचर था और चार लोग अभी बाहर थे 47 लोग What is the point? 47 के थे और साहब उन्होंने प्लीज साहब उन्होंने उसके बारे में कोई अगली व्यवस्था नहीं बनाई. ऑलवेज क्या होता है कि हम भी पॉलिटिक्स में हैं, आप भी जानते हैं कि इमीडिएटली क्या बोलते हैं टिल अल्टरनेट अरेंजमेंट ही मे बी कंटिन्यूड. और अरे सुनो भाई बाद में कुछ तो बोलो प्लीज. और आई एम हियर टू टेक अ कॉल. इमीडिएटली जब लिस्ट देते हैं उसको आप इमीडिएटली बुला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हो. लेकिन इस केस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया और आज 12:30 बजे वो वोट एक में ले रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ यानी देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं. एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं. तो ये क्यों नहीं हुआ झारखंड में, ये क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो सकता है 12 घंटे में रिसिग्नेशन हो सकता है, 12 घंटे में लिस्ट सबमिट हो सकती है. सर वन मिनट 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया. ये शर्मनाक बात है, ये तो धज्जे उड़ाएगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जे आप उड़ा रहे हैं. आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है. और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके. और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. धन्यवाद.